ओम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं, और हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहे ऐसे हंसते रहे और मुस्कुराते रहे। तो इसी नेक दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप सब बहन भैया से यही एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ भैया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज माशाल्लाह से हमारी जो क्यूट गुड़िया आई है ना, उसका आज पहला दिन था हमारे घर में। तो आपको मैं बताता हूँ कि रात को जाना हम उसका दूध तो ले आए थे, लेकिन पानी लेना उसका भूल गए थे। तो बारिश भी बहुत ज़्यादा थी, तो हमने कहा कि भैया का पानी जो है ना थोड़ा सा यूज़ कर लेते। तो जब हमने उसका दूध बनाया ना छोटी का, तो हुरिया ने ना दूध जब बन गया तो अपना पानी लेके ना जो अम्मी का तकिया होता है ना उसके नीचे छुपा दिया, कहती मेरा पानी ना उठाएं आप। अभी वो ज़्यादा नज़दीक नहीं जाती अपनी बहन के, सुबह सुबह थोड़ी देर वो गई है। अभी पता नहीं क्या, पता नहीं हुरिया के दिल में समझ कुछ नहीं आ रहा। तो एक बात, यहाँ पर सलमान आया बैठा था तो ये कह रहा था कि जब हमारी हुरिया पैदा हुई थी ना, तो उस दिन से ले गए आज तक माशाल्लाह से ये बात पक्की है कि अल्लाह पाक की रहमत होती है। जब बेटी पैदा होती है ना तो घर में बरकत बहुत ज़्यादा आ जाती है। अब तो माशाल्लाह से दूसरी बेटी भी आ गई है, अब हमारी उससे भी ज़्यादा इंशाल्लाह बरकत होगी हमारे घर में इंशाल्लाह। तो सलमान भाई आए बैठे हैं मुबारकबाद देने के लिए। कल भी आ गए थे लेकिन कल हम पहुँच नहीं सके, इसकी अम्मी भी थी साथ। तो आप सब पूछते रहते हैं कि सलमान आपका क्या लगता है, तो ये मेरी सकी कज़न का, मेरे जो मामू है ना उसकी बेटी का बेटा है, ठीक है ना? तो ये अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बहुत पसीना आया हुआ है यार, लेट नहीं चली गई। तो मौसम वैसे बारिश वाला तो बना हुआ है, थोड़ी सी धूप निकल जाए ना फिर गर्मी से ना पूरा हाल हो जाता है बंदे का। जिम कर रहे हैं? थोड़ा कम जा रहा हूँ, ज्यादा नहीं जा रहा। अच्छा, गर्मी होती है ना, काम में लगने वाला, अभी गर्मी भी बहुत ज्यादा है। वहाँ आपने जगह बनवानी है, उसकी परेशानी भी आपको है। गरीब बंदे हैं आप, पता है मेरा मजदूरी करनी पड़ती है, काम वगैरह करना पड़ता है, ऐसे बता रहा था तू कैसे जब मेरी दोनों बेटे थे, बेटी पैदा होने लगी थी भाई। मैं ये बता रहा था सिकंदर मामू को कि तब की बात है, जब आपके पास दो बेटे थे ना तब कुछ भी नहीं था ऐसे ना। हाँ, हुरिया पैदा हुई, अल्लाह का करम हुआ, एकदम से ना लाइफ भी चेंज हो गई। अल्लाह ताला ने इतना दिया, बेपनाह दिया जी। अब माशाल्लाह फिर और बेटी आ गई है। हाँ, बिल्कुल। अब तो भाई और भी मजे लग जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह पाक सियात दे, और जिनकी औलाद नहीं अल्लाह पाक उनको नेक औलाद दे। आमीन आमीन। तो सलमान भाई के साथ ना बहुत बड़ा एक समझ ले के इसके जो अब्बू थे ना उसने दूसरी शादी कर ली थी, तो इसको जायदाद में से एक रुपया उसने नहीं दिया था। इसने बहुत मेहनत की है सलमान ने, लेकिन अभी तक ये अपनी जगह नहीं बनवा सका। तो हमारी यही दुआ है कि अल्लाह ताला इसको अपनी जगह दे, और इसकी शादी इसने करनी है तो अल्लाह ताला इसको इसकी जगह बन जाए और मकान इसको मिल जाए। हमारी यही दुआ है सलमान के लिए। बस यार मेहनत कर रहे हैं, देखो अल्लाह ताला करम करेगा इंशाल्लाह। कर सकते हैं हम तो बस मेहनत कर सकते हैं, बाकी तो अल्लाह के हाथ में। जी जी बिल्कुल, बस वही सब कुछ करने वाला है, अल्लाह बेहतरी करेगा, आप परेशान ना हो। एक दिन हुआ तो हमारा जगह भी होगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बन जाएगी। सारी रात सासू माँ ने मुझे नहीं सोने दिया। सलमान भाई इससे जो नींद में चलने की आदत है, बोलने की भी है। अच्छा पता क्या कहती है, कहती है कि ये पता नहीं निप्पल फंस गई है गुड़िया में, छोटी की के मुझे कहती है निप्पल फंस गई है, आप देख रहे थे। मैंने कहा कुछ भी नहीं है, वो सो रही है। दूध ना पी रही था, वो आके सामने ये दवाई सटी थी ना, रशी आ रही थी दवाई, वो सामने ही मैं परेशान थी कि मैं के उठा था दे दिया ही खीर पी दिए थी, था क्यों नहीं नहीं ये पीती थोड़ा थोड़ा है ना, हॉस्पिटल में जब थी ना छोटी गुड़िया, तो यही थी उनके चार दिन लगाए, फिर सोया नहीं है ना, जागते रहे ना रात भर, फिर वही आदत बनी हुई थी जागने वाली। हाँ नींद में आपको झटके लगते हैं रात को, मैं डर गया, मैंने क्या पता क्या, मैं 3 बजे तक मुझे नींद नहीं है, कुछ नहीं है, माशाल्लाह सेहतमंद है, कुछ नहीं है। तो अभी मासी जो है ना बेगम साहब के लिए यखनी निकाल रही है, सूप जिसे कहते हैं। सबसे पहले इसको डाल देते हैं गोश्त को, ताकि इसमें जो अच्छी तरह जो है ना गोश्त इसमें फ्राई हो जाए। उसके बाद फिर इसमें थोड़ा सा पानी, काली मिर्च, हल्दी और घी भी डालते हैं इसमें। क्या खा रही हो?
मिठाई खा रही हो? हैं मिठाई खा रही हो? तो ये छोटी गुड़िया के नानू मिलने आए हैं छोटी से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? छोटी से नमाज़ किया है तो मैंने सोचा कि आज देखूं, हॉस्पिटल में थी। मुंह देखो लाल हो गया। अम्मा अभी छोटी बच्ची है ना, छोटी है क्या? ये कैसी मिठाई का डब्बा दो मुझे, मैं एक खा लूँ पूरा। अच्छा चलो चलते हैं। उरिया मम्मा के साथ सोगी? मम्मा के साथ नहीं सोती उरिया, ऐसे ना। हाँ चलूँ, चले चलूँ, चल आज नुआ। उरिया गई है हमारे साथ शहर में, तो ये देखें आप, नींद देखे आ रही है उरिया को। तो ये 14 अगस्त को अभी 20 दिन रहते तो अहमद हसनैन ने पहले झंडा लगवा लिया ऐसे। चल ले चलो इसे नहीं लेंगे, इसे हल्दी है ऐसे। रिया रिया सो गई है रिया। रिया को जो है ना उठाया हुआ है मेरी पुप्पो ने। रिया की क्या लग गई? नानी रिया की नानी, इसकी जो सकी नानी है ना, उसने जो है ना रात सुबह कहती है ये रात को उठी क्यों नहीं, सोए ना। निक्की जिंद डू जिंदू थी गया ना, अल्लाह सी डू जिंदू डे रही था ना, अभी दूध पी रही थी जी, अभी दूध पिला रही थी। से दूध पीती है? हाँ। फिर सो जाती है। दूध पी के ना फिर सो जाती है। ओए ना देखा जाग रही है, आज जाग रही है, लेकिन दिन को जो है ना सारा दिन जो है ना जागती है, और रात को नहीं, रात को पहले जो है ना पहले सारा दिन सोती थी, रात को सारा रात जागती है, आज सारा दिन जाग रही है, रात को सारी रात सोएगी। फिर वो भी वीडियो बनवा रही है आपके साथ। ये क्या है होंठ? हाँ क्या क्या ले आऊं? दूध ये उतर जाए ना, टीका दबा दे वाला सर कटा है। ठीक है, 2 दिन लगेंगे अभी। किस पे गई है नानी, आप बताएं किस पे गई है? ए हुरिया दे गई है। हुरिया दे गई है जी हाँ। चल देखते हैं फिर भाई, बाद में पता चलेगा। इनकी आंख मोटी है, जब बड़ी होगी ना आंखें मेरे ऊपर गई है। हां आंख हमारे घर में किसकी छोटी है? माशाल्लाह से सबकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, बड़ी उम्र ही ना तो सारा पूरी आदमी बड़ा बड़ा है। शुक्र है नाम। मौसम जो है ना अभी तो साफ लग रहा है, लेकिन इस साइड पे फिर जो है ना बादल छाए हुए हैं। देखो अभी तो धूप निकली हुई, हवा भी ठंडी ठंडी चल रही है। देखो फिर क्या बनता है। अभी हम वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की जो हमारी वीडियो है आप सब बहन भाइयों को अच्छी लगी होगी। आज हमने तकसीम करना है गरीबों में, बहुत सारी जगहों पे जाके राशन तकसीम करना है, क्योंकि पैसे उनके आए हुए थे, तो उसके अलावा किसी को कपड़े लेके देना, तो काम बहुत ज़्यादा हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।